अगली खबर आ रही है मुरैना से, जहां जौरा के सीएम राइज स्कूल में न बस की व्यवस्था है और न ही गणवेश की, जबकि सरकार ने इसी सत्र से इस स्कूल को शुरू कर निजी विद्यालयों जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराने का दावा किया है। केवल कागजों में यह स्कूल सीएम राइज स्कूल में शामिल है, लेकिन असल में यहां व्यवस्थाएं पुराने ढर्रे पर ही चल रही हैं। आपको बता दें कि मुरैना जिले में 4 विद्यालयों की सीएम राइज स्कूल के रूप में नींव रखी गई है, इसमें जौरा का स्कूल भी शामिल है। इस स्कूल में अभी तक बस की व्यवस्था नहीं हो सकी है, जिससे दूर दराज से आने वाले छात्र ठंड में नहीं आ पा रहे हैं। दूसरी तरफ जो छात्र आ रहे हैं उनके पास वही पुराना गणवेश है, जबकि नया किसी के पास नहीं है। कुछ छात्रों को छोड़ दिया जाए तो बाकी के छात्र बिना गणवेश में स्कूल आते हैं। सीएम राइज करने पर गणवेश बदल जाता है, लेकिन इस स्कूल में अभी तक गणवेश नहीं बदला गया है। गणवेश ना बदलने से लगता ही नहीं है कि यह स्कूल सीएम राइज स्कूलों की संख्या में शुमार हो गया है। सीएम राइज स्कूल की जब मौके पर पहुंचकर पड़ताल की गई तो देखा कि उसमें शिक्षक ही देरी से स्कूल पहुंच रहे हैं। सुबह 10:30 बजे तक स्कूल में केवल 7 शिक्षक ही थे, बाकी के शिक्षक स्कूल में पहुंचे ही नहीं। स्कूल में सीसीटीवी कैमरे लगे हैं, जिसमें शिक्षकों के आने का समय आसानी से देखा जा सकता है। यह भी मौके पर देखा गया कि स्कूल के छात्र जान जोखिम में डालकर सड़क पार कर रहे हैं। जिस समय बच्चे स्कूल पहुंच रहे थे, इस समय सड़क पर कोई शिक्षक भी मौजूद नहीं था। इन अव्यवस्थाओं के चलते सर्व सुविधा युक्त कॉन्वेंट स्कूलों की तर्ज पर खुलने वाले यह स्कूल उत्कृष्ट व मॉडल स्कूलों की तरह फेल होते नजर आ रहे हैं। सीएम राइज स्कूल में सुबह कमजोर छात्र छात्राओं के लिए अलग से स्पेशल क्लास लगाने की व्यवस्था है, लेकिन इस स्कूल में मौके पर जाकर जब देखा गया तो यह क्लास ही नहीं लगाई जा रही थी। यह स्पेशल क्लास सुबह 9 बजे लगाई जाती है, जिसमें विज्ञान, अंग्रेजी व गणित के कमजोर छात्र छात्राओं को अलग से पढ़ाने की व्यवस्था है। मौके पर केवल स्कूल का सफाई कर्मचारी के अलावा कोई नहीं मिला। सीएम राइज स्कूलों को बिल्कुल निजी व कॉन्वेंट स्कूल की तर्ज पर तैयार किया गया है। इनमें बायो टॉयलेट, स्मार्ट क्लासेस, खेल मैदान, कंप्यूटर लैब, म्यूजिक रूम, स्विमिंग पूल, कैफेटेरिया, हॉस्टल और बसों की सुविधा के साथ ही स्कूलों में सीसीटीवी की व्यवस्था भी करने का प्रावधान है। लेकिन यह सारी सुविधाएं तो दूर विद्यालय में शिक्षक ही देरी से पहुंच रहे हैं। 31.2 करोड़ में बना है जौरा का सीएम राइज स्कूल। जौरा स्थित सीएम राइज स्कूल का निर्माण 31.2 करोड़ में होना है। जिले के जौरा के अलावा सबलगढ़, अम्बाह व गोंट के लिए 29 अक्टूबर को भूमि पूजन किया गया था। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इंदौर में आयोजित कार्यक्रम में प्रदेश के 68 स्कूलों का वर्चुअली शिलान्यास किया था। इसमें यह स्कूल भी शामिल थे। इसमें सबलगढ़, पहाड़गढ़, जौरा, अम्बाह व गोंट के स्कूल मुख्य रूप से शामिल थे। सीएम राइज स्कूल में कक्षा 8वीं का छात्र है, देखा कि सीएम राइज स्कूल प्राइवेट स्कूलों से भी बेहतर होंगे, तो उन्हें सब सुविधाएं होंगी, बस आने जाने के लिए बस लगेंगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। हम अपने बच्चों को छोड़ने आते हैं, लेने आते हैं। टीचर है, बड़ा टेस्ट द्वारा टीचर आए हुए हैं, तो एक तो कम है टीचर, पूर्ति नहीं हो पा रही टीचरों की, और सब्जेक्टों को वो क्लियर नहीं कराते हैं, ना उनको देखते हैं। वो तो पढ़ा दिया और होमवर्क वगैरह चेक करना ऐसा कुछ नहीं है वहाँ। बड़ा बच्चा पढ़ा नहीं, पढ़ना तो नहीं पढ़ना। विद्यालय की आप स्थिति ये कहते हैं कि वो नया विद्यालय है, अभी तो व्यवस्थाएं बन रही है, लेकिन जब से चल रहा है, जुलाई से खुला हुआ है विद्यालय, तब से व्यवस्था अभी तक कुछ नहीं बन पाई है। और जो पालक पेरेंट्स मीटिंग होती है, तो पेरेंट्स मीटिंग भी नहीं होती है।